शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से अरे तो अरे रुकिए ना श्रद्धा, हम काफी देर से देख रहे, तुम और यशवी जी जरा भी खुश नहीं, आप दोनों के चेहरे उतरे हुए। ऐसा लग रहा है जैसे घर वापसी नहीं जेल वापसी हुई हो। सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ दीदू, आप परेशान दिख रही हैं। क्या बात है, हमें बताइए ना। यशवी जी, क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या कहा? श्रद्धा ठीक तो हो जाएगी ना? जी वो श्रद्धा, श्रद्धा की रिपोर्ट्स। अरे अरे, रिपोर्ट में क्या आया है? अरे बोलिए ना। चुप है, हमारा दिल तो बैठा जा रहा है, कुछ बोलिए तो। अरे रितु, आप कुछ बोल का ही नहीं रहे, इसमें लिखा क्या है? भाभी, इस रिपोर्ट में लिखा है कि श्रद्धा कभी मां नहीं बन सकती। लापरवाही के कारण फोन बदल जाते हैं। अबे तुमने टीवी में दिखाया था ना, याद है ना तुम्हें? तनुजा जी, ये सब बातें करने का ये वक्त नहीं। श्रद्धा इतने बड़े हादसे से वापस आई है, उसे सांस तो लेने दो। अरे हम कह रहे हैं ना कि ये रिपोर्ट श्रद्धा की हो ही नहीं सकती है, ये रिपोर्ट गलत है। और अगर एक डॉक्टर ने कह दिया तो हम कैसे मान ले? हम दोबारा से उसका टेस्ट करवाएंगे। अरे ऐसे कैसे वो मां नहीं बन सकती है? रिपोर्ट में कोई गलती नहीं, अब जो है यही सच है। अरे बंद करो ये पंचायत, इस वक्त हमें सिर्फ श्रद्धा के बारे में सोचना है। आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? इस सबका मतलब क्या है? अरे एक मां बनने की चाह क्या होती है, एक दादी बनने का सपना क्या होता है? भाभी, 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 हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही है, लेकिन देखिए अभी तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ना माता रानी का कि ये सही सलामत वापस आ गई। अरे रहने दीजिए ऋतु, आप क्या समझेंगी, आपके खुद की औलाद थोड़ी है। अपनी जबान पर लगाम दो। तनुजा, हम समझते हैं कि इस वक्त आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन अपनी भड़ास, अपना गुस्सा इस तरह किसी और पे निकालना ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन इस सब की जिम्मेदार तो आप और आपके बेटे ही हैं ना? अरे आपका परिवार तो पल फूल रहा है, लेकिन आपके परिवार को बचाने के लिए हमारी बहू ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, ये ठीक नहीं हुआ हमारे साथ। अरे तुम दोनों के आज को बचाने के लिए श्रद्धा ने अपने आने वाले कल को बर्बाद कर
दिया। एक औरत जब माँ बनती है तभी उसकी जिंदगी पूरी होती है, लेकिन अब तुम लोगों की वजह से श्रद्धा की वो इच्छा भी कभी पूरी नहीं होगी। हे भगवान, एक औरत जिसकी औलाद नहीं होती दुनिया से एक कारण की नजर से देखती है। परिवार के बारे में तब सोचना चाहिए था जब तुम अवनी जैसी लड़की के प्यार में पड़े। अरे उसको थोड़ी नहीं पता था ये सब हो जाएगा। अरे हमेशा हमेशा इनकी वजह से हमारा परिवार दर्द में जीता है। बस यही दिन देखना बाकी था ना भाभी। अरे आपके बच्चों की जिंदगी सुधारते सुधारते हमारे बच्चों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हो गया ना ये सब। सही कह रही हैं आप चाची जी, काश वरुण जी ने ऐसा कदम नहीं उठाया होता तो आज हमारी दीदू को ये सब सहना नहीं पड़ता। उस वक्त चुप हाला उन्हें बदला नहीं जा सकता है और किसी पर इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता है। अंत में तो सबसे ज्यादा यही मायने रखता है ना कि कीर्ति और उसका आने वाला बच्चा सुरक्षित है। श्रद्धा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुर्बानियां दी, देखना भगवान उनके साथ इतना गलत कभी नहीं होने देंगे। अब भरोसा रखिए। क्या भरोसा? किस पे? इस परिवार पे? अरे इस भरोसे की वजह से आप हमारे परिवार को इस कलंक के साथ जीना पड़ेगा। बस मम्मी, बहुत हो गया। डॉक्टर ने कहा है श्रद्धा शायद मां नहीं बन सकती। इसका मतलब ये नहीं कि हम उम्मीद ही छोड़ दें। मम्मी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आपको धक्का लगा है, पर अगर अब आप ऐसे करेंगी तो हम दोनों को कौन संभालेगा? प्लीज। अबे बेटा, फिलहाल श्रद्धा को अपने कमरे में ले जाओ, उसे आराम करना होगा। अच्छा अब हम लोग चलते हैं। आराम से। बैठो आराम से। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अभय, आपके अचानक जवाब दो श्रद्धा, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? अभय आप ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। हमारे रिश्ते में प्यार है ना श्रद्धा? तो बस फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हैं। कमी है तो बस एक मुस्कुराहट की। बस
मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। अरे अबे आराम से। क्या कर रहे हैं आप अबे? मुझे मेरा काम करने दो, मेरे काम में कोई दखल नहीं। तुम बस अपना काम करो, वो है आराम। अभय, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मेरे पैर को हाथ मत लगाया कीजिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आराम से लगाओ, एक लगाओ आराम से। मैं बैग लेकर आता हूं। चलो दवाई खा लो। अभय आप भी बहुत थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। हाँ बस कर लेता हूँ। क्या कर रही हो? मुझे बोलो ना क्या चाहिए। किस्मत की लकीरों से, 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 किस्मत की लकीरों से। कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको शर्म। सनम बेकरारी मिलेंगे जो तुमको तो, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए ना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तुम ये खाओ, मेरा दिमाग नहीं। खाओ, एक और बाइट। तो आप हमसे नाराज मत रहिए, अब आप तो जानती हैं कि कल का दिन हमारे लिए कितना बुरा था। हम जानते हैं कि हम कुछ ज्यादा ही बोल दिए आपको, आप हमें माफ कर दीजिए बस। अरे आप तो अभी भी गुस्सा है, अरे हम क्या, देखिए रंग अच्छा है ना। अरे वाह, अरे अभय बेटा महीने भर बाद दिखे हो, और श्रद्धा ठीक है? जी आंटी जी, श्रद्धा ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी अभी भी है। वो तो अभी रहेगी ही, बहुत याद आती है उसकी। इस बात पे तो उसकी नाम की साड़ी ले ही लीजिए आप, पूरे कॉटन की साड़ी है, और ये आप कढ़ाई देख रहे हैं, ये श्रद्धा का स्पेशल डिजाइन है, मानो कि आप ही के लिए बनी है। बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है ना। हाँ, ये वाली ज्यादा सुंदर है।
ये देखिए आंटी जी। अरे वाह, ये साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे तो यही पसंद है, यही खरीदनी है। अरे आंटी जी, आपकी पसंद भी आप ही की तरह है, इसी बात पे आपको 25% का डिस्काउंट। अरे वाह, तुम भी ले लो एक। मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? अरे आंटी जी, आपको भी 25% डिस्काउंट, आप बताओ। अरे फिर तो बनती है साड़ी लेने। अरे तुम भी ले लो एक। हाँ हाँ, वही मैं सोच रही थी। भाभी, ये वक्त सही नहीं है, चलिए चलिए। बात है, एकदम। अपने रिश्तेदारों में भी जरूर बताइएगा श्रद्धा तारीख के बारे में। हाँ हाँ, जरूर बताएंगे रिश्तेदारों को। हाँ हाँ बेटा। भाभी, आप ऐसे ही घर के अंदर चलती रहेगी तो भाभी कमजोरी हो जाएगी ना आपको। हाँ ये लीजिए, गुस्सा मत कीजिए, लीजिए पानी पीजिए। अरे हमें नहीं पीना है पानी। आज जो आग लगी है वो ये चुल्लू भर पानी से तो ना बुझ पाए। मम्मी बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी पिला दो। ये लो बेटा। मम्मी आखिरकार ना मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी, बहुत मजा आया। हाँ हाँ, औरतों की तरह मोहल्ले में साड़ी पहन के घूमने में तो मजा आएगा ही। अब क्यों शोर मचा रही हो? अरे अपने होनहार बेटे से पूछिए कैसे अपने घर का नाम रोशन करता फिर रहा है। अरे मोहल्ले में घर घर साड़ी पहन के बेच रहा था ये। मम्मी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप साड़ी खरीदने कभी गए ही नहीं है, ऐसे ही होता है काम। अच्छा, अब औरतों वाले शौक पाल ही लिए हो तो रसोई में आप क्या खाना बनाना भी शुरू कर दोगे तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी दिक्कत क्या है। अरे हमें ये तकलीफ है कि तुम बिल्कुल जोरू के गुलाम बन चुके हो। अरे एक तो श्रद्धा के नाम पे तुमने साड़ी का दुकान खोल दिया और अब खुद साड़ी पहन के मोहल्ले में ढिंढोरा पीटते चल रहे हो। तनुजा प्लीज अपनी बकवास बंद करेंगी आप। मम्मी पहली बात, आप श्रद्धा को बीच में मत लाइए, ये बिजनेस का आइडिया मेरा था। वो दूसरी बात, श्रद्धा जब तक ठीक नहीं हो जाती वो कोई काम नहीं करेगी, उसके काम मैं कर लूंगा और मुझे कोई शर्म नहीं आती इसमें। हाँ बस यही दिन देखना बाकी रह गया था हमारे लिए। बेटा बहू का काम करते रहे, बहू बिस्तर पकड़े रहे। अरे ऐसी बहू का हम करेंगे क्या जो हमें बच्चा तक नहीं दे सकती है। मम्मी, चाची ये मत भूलिए कि हमारी भी एक बेटी है, कल ससुराल में इसके साथ ऐसा होगा ना तब जाकर आपको अपने कर्म याद आएंगे। कल गोद भराई में हमारा सर नीचे होगा और उसकी जिम्मेदारी बस यही होगी। बस मम्मी, अब श्रद्धा के खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। पड़ गई कलेजे को ठंडक बेटे को माँ के खिलाफ करके। चलो श्रद्धा। उल्टी हो गई। श्रद्धा तो ठीक ही नहीं, जबरदस्त हो गई है। भगवान। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।